Bismillahir Rahmanir Rahim. Good evening, dear viewers. How are you today? Just fine. Today we will begin a final activity of Unit 9. That is talking about a classmate. Talking with your classmate about your favorite food for breakfast, lunch or dinner. Answer these questions. So we here in this activity we will talk about the favorite food as well as we will talk about the lunch, breakfast and dinner. So there are five times of eating. Three are very common. What is the first one? Breakfast. Breakfast mean? सुबह का नाश्ता जो सब सुबह सवेरे हम उठकर नाश्ता करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट नाश्ता. सिमिलरली लंच दोपहर का खाना जो हम अर्ली आफ्टरनून या नून के वक्त खाते हैं सो दैट इज कॉल्ड लंच. एंड द थर्ड वन डिनर शाम का खाना जो शाम का खाना होते हैं. बिसाइड दीज ब्रेकफास्ट ब्रंच भी होते हैं. ब्रंच जो चाश्त का खाना होता है चाश्त के वक्त जो 10-11 बजे पर आमतौर पर हम लेते हैं दैट इज कॉल्ड ब्रंच एज वेल. एंड सफ़र भी होता है जो डिनर से ज़रा पहले होते हैं लेट आफ्टरनून को असर के वक्त या जहर के बाद हम जो चाय पीते हैं या जो थोड़ा सा नाश्ता करते हैं तो इन्हें सफ़र कहते हैं. सो वैसे तो पांच टाइप के खाने के अवकात हैं लेकिन ये तीन बहुत कॉमन है. वी विल डिस्कस अबाउट दीज थ्री. सो इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू यूजुअली टेक फॉर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट सुबह के नाश्ते में आप अमूमन क्या खाते हैं? गुड गुड वेरी गुड. यूजुअली मीन अमूमन अमू. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वी विल डिस्कस एडवर्ब इन द यूनिट टू एंड यूनिट थ्री इन डिटेल. दैट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर ऑलवेज यूजुअली ऑफ्टन समटाइम रेयरली नेवर. देयर आर सो मेनी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. वी विल डिस्कस देम इन इट्स ओन प्लेस बट यूजुअली मीन अमूमन. आई यूजुअली टेक अ कप ऑफ टी विद अ फ्राइड लोफ ऑफ ब्रेड. फ्राइड मीन जो घी में पकाया गया हो. लोफ ऑफ ब्रेड रोटी एक रोटी. एंड सम टाइम आई टेक अ कप ऑफ टी विद अ फ्राइड लोफ ऑफ ब्रेड एंड अ फ्राइड एग. सम टाइम आई टेक सम टाइम मीन नॉट ऑल द टाइम बट सम टाइम आई टेक अ कप ऑफ टी विद अ फ्राइड चिकन एंड फ्राइड मीट. फ्राइड बीफ फ्राइड मटन. बीफ मीन बड़ा गोश्त मटन मीन छोटा गोश्त और फ्राइड मीट मीट मीन गोश्त. तो दीज आर द कॉमन एक्सप्रेशन. सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछ लूँ डियर व्यूअर्स दैट व्हाट डू यू यूजुअली व्हाट डू यू टेक फॉर लंच. लंच दोपहर के खाने के वक्त आप क्या खाते हैं? आई यूजुअली टेक वेजिटेबल. वेजिटेबल मीन सब्जी अमूमन खाता हो. सास मीन सालन. सास फिर मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं. चिकन सास मीट सास पटेटो सास टमेटो सास. सो मैंने ट्राई पर दियर. ओ फल्सेस. फल्सेस मीन दाल दालें विद सैलड और विद कर्ड मिल्क. कर्ड मिल्क मीन लस्सी जो लस्सी होता है विद सैलड एंड अ ग्लास ऑफ कर्ड मिल्क. राइट. सो वी कैन से दैट आई यूजुअली टेक वेजिटेबल विद सैलड एंड अ लोफ ऑफ ब्रेड. एंड यू कैन ऑल्सो से दैट आई समटाइम टेक राइस विद चिकन एंड फ्राइड मीट. राइस विद चिकन भी कभी कभार जब कोई प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो हम लंच के वक्त भी राइस खाते हैं. सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछ लो डियर व्यूअर दैट व्हाट डू यू टेक फॉर डिनर. शाम के वक्त अमूमन आप क्या कर. डू का मतलब ये है कि आदतन व्हाट डू यू टेक फॉर डिनर. डिनर में आप क्या कहते हैं. ये डू में आदतन का लफज छुपा हुआ है क्योंकि हैबिचुअल टेंस है. वी हैव डिस्कस इट इन डिटेल. सो व्हाट विल यू से. गुड. आई यूजली टेक राइस विद योगर्ट. राइस मीन चावल दही के साथ. और राइस विद सास मीन पटेटो सास टमेटो सास मीट सास चिकन सास. सालन के साथ राइस खाता हो. एंड सैलड. एंड यू कैन से दैट आई समटाइम टेक राइस विद क्लेरिफाइड घी. क्लेरिफाइड घी मीन देसी घी सुचा घी जैसे हम कहते हैं. क्लेरिफाइड घी एंड फ्राइड चिकन एंड फिश एट्सेट्रा आर आल्सो देयर.
So usually a woman and sometime mean kabhi kubar. So you should ask me the first one. What do you take for breakfast? Good. I usually take a cup of tea with a dried loaf of bread. With a dried loaf of bread, because I usually don't take the ghee. I have a little bit blood pressure, so I take I don't take fried things. I take dry one, and I sometimes take a cup of tea with fried chicken. Second one. What do you take for lunch? Good. I usually take vegetable or sauce or pulses with a loaf of bread and a glass of curd milk. And sometime I take a plate of rice with chicken, fish and fried meat. And the third question. What do you take for dinner? Good. I usually take rice with yogurt. Sauce, and I sometimes take a loaf of bread with vegetable sauce or pulses, and sometimes a loaf of bread with chicken or fish as well. So usually this we can talk about the breakfast, the lunch and the dinner. Now ye ek aur activity hai. What's the question in the activity? Good. What's your favorite dish? आपका पसंदीदा खाना कौन सा है? So what's your favorite dish? Yeah, fish is my favorite dish. Right? Yeah, fish you said. Second question. How do you make it or how do you cook it? आप ऐसे कैसे पकाते हैं? Cook it. So then you will tell the how to make or how to cook the fish. You will tell the method. That first of all, clean the fish, make it clean, cut the fish, make it clean. Then divide it into different parts. Then take a pot and pour some oil in the pot. Frying pan and pour the oil in the frying pan. Put the pieces of meat in the frying pan. Also mixed the different kinds of spices. Spices mean masale. With the oil in the frying pan. Also mix a pinch of salt. Thoda sa salt bhi isme dale. Aur jaisa bhi pakane ka tarika hai, you will tell about that. Right? So again, I will ask you, what's your favorite dish? Yeah, eggs you can say, theek hai. How do you make it? So then you will tell systematically the process through which you are going to cook or make this dish. Usually there are two words, one is cook, one is make. Make we use for tea, for juice, etc. because we make them. But cook we use for vegetable, for meat, for etc. because we cook them. Right? So I hope, dear viewers, you will have learned this activity about what do you take for breakfast, lunch or dinner, and what's your favorite dish. Try to practice upon it again and again to learn it well, because it is our usually activity. We use it too much in our day-to-day activities, that what do you take for breakfast, lunch or dinner. Thank you so much for watching the video.